राइस और रोटी दोनों इंडिया में सबसे कॉमन यू नो स्टेपल डाइट है। या तो आदमी रोटी खाता है या चावल खाता है, और कभी कभी दोनों को मिला के खाता है। सुबह रोटी खाता हूँ, शाम को कोई तो खाने में दोनों ही एक साथ खाते हैं। पहले रोटी खा लेते हैं, फिर चावल खा लेते हैं। लोगों को ये नहीं मालूम दोनों के अंदर फर्क कितनी है। मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ। रोटी पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़बरदस्त खाया जाता है, और इसमें क्या क्या होता है मैं बता दूं। 12 ग्राम तो इसमें प्रोटीन होता है। तो अगर हम राइस से कंपेयर करें जिसमें 7 ग्राम के करीब प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन के हिसाब से रोटी में ज़्यादा होता है। करीब करीब 4-5 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है रोटी में। रोटी में थोड़ा फाइबर भी ज़्यादा होता है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट करीब करीब 70% होता है। 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 12% प्रोटीन होती है, और टोटल कैलोरी होता है 341 कैलोरी। और अगर हम राइस को लेते हैं तो उसकी अगर हम देखते हैं तो 78 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट इसमें करीब 7 ग्राम एक्स्ट्रा है, और प्रोटीन 4 ग्राम कम है। थोड़ा फाइबर अगर हम राइस को पॉलिश कर लेते हैं तो फाइबर भी कम हो जाती है। तो अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो कैलोरी वाइज, हाँ, राइस में 345 कैलोरी होता है 100 ग्राम राइस में, और आटा में 100 ग्राम में होता है 340-41 कैलोरीज। तो कैलोरी वाइज 4 कैलोरी का डिफरेंस है। कैलोरी वाइज दोनों में 100 ग्राम खाएंगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रोटीन वाइज थोड़ा ज़्यादा है प्रोटीन रोटी में। और अगर कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो रोटी में 70 है और उधर 78 है, करीब 8-9 का डिफरेंस होता है दोनों में। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का परिमाण देखते हैं, अगर हम डायबिटीज़ लोगों के लिए, अगर कोई को डायबिटीज़ है तो हम लोग उनको बोलते हैं भाई राइस को कम करके आप रोटी ले लो, और अगर राइस लेना ही चाहते हो उसमें बहुत सारा फाइबर ऐड कर लो, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है पूरा कार्बोहाइड्रेट का वो स्लो डाउन हो जाएगा। और थोड़ा फाइबर इसमें रोटी में ज़्यादा है। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दोनों के अंदर कैलोरी सेम है। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा राइस में ज़्यादा है और प्रोटीन थोड़ा रोटी में ज़्यादा है। तो अगर दोनों के अंदर आपको हम चॉइस करने बोले, आप बोलते सर दोनों मुझे इक्वली पसंद है, फिर क्या लो? मैं बोला रोटी लो। और राइस लोगे तो उसमें बहुत सारा वेजिटेबल डाल लेना, उसमें दाल डाल लोगे तो उसमें प्रोटीन का मात्रा और बढ़ जाएगा। तो राइस और दाल की कॉम्बिनेशन हो सकता है रोटी से भी बेहतर हो जाए। तो ये आपको दोनों की डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, और इन दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पर अगर आपके चॉइस है राइस का तो नो प्रॉब्लम, राइस के संग दाल भी ले लीजिए, और दाल को भी अलग अलग दिन अलग अलग तरह का दाल लीजिएगा, तो उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। और ये बात आपको मैंने आज आपको बताया है, लोगों के संग शेयर कीजिए, हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं हर दिन, और वो इन्फॉर्मेशन आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हेल्थ इज़ वेल्थ, आजकल वेल्थ इज़ जितना इम्पॉर्टेंट सा वेल्थ कम होने लगे आजकल हेल्थ के लिए। लोग जब से कोरोना आई है तब से लोगों को समझ में आ रहा है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ को ध्यान रखना है, और इसके लिए हेल्थ इंफॉर्मेशन हमसे आप लीजिए। थैंक यू सो मच।